A very good morning to all our viewers on Sports Tech. सिडनी टेस्ट चौथा टेस्ट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और वहां से टॉस की जो अपडेट है भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है भारत ने. विराट कोहली ने टॉस जीता तो अच्छी खबर फिलहाल ये है कि टॉस भारत ने जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी वहां पर करेंगी. दो बदलाव जो भारतीय टीम में है, केएल राहुल और कुलदीप यादव. केएल राहुल ओपनिंग करेंगे मयंक अग्रवाल के साथ और दो स्पिनर भारत ने खिलाए हैं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव. रविचंद्रन अश्विन जिनकी फिटनेस को लेकर कल तक डाउट था, वो शायद अभी 100% नहीं है गेम के लिए, तो इसलिए कुलदीप यादव को वहां पर मौका मिला है. तो भारत पहले बल्लेबाजी करेगा इस टेस्ट मैच में. 2-1 से सीरीज में आगे है ये टेस्ट मैच. अगर भारत ड्रॉ कर लेता है या जीत लेता है तो पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड वहां पर, इतिहास वहां पर भारतीय टीम रचेगी. विराट कोहली ने भी कल यही बात कही थी कि ये टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट मैच इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है वो जगह जहां से भारतीय क्रिकेट का ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था, जहां से महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी रिटायरमेंट लिया था और विराट कोहली ने एज अ फुल टाइम कैप्टन सिडनी टेस्ट से यहां पर शुरुआत की थी और वापस वहीं पर सिडनी टेस्ट, यहां पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और विराट कोहली ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय टीम यहां पर इतिहास रचेगी और सिर्फ उनके लिए ही नहीं एज कप्तान बट हर एक प्लेयर के लिए वहां पर ये टेस्ट यादगार रहेगा उस जीत के साथ. और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी दो चेंजेस वहां पर किए हैं. एरन फिंच इस टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे तो ओपन करेंगे उस्मान ख्वाजा और उनके साथ मार्कस हैरिस और मिच मार्श भी इस टीम में नहीं है. तो दो चेंजेस जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं वो है मानस लबिशेन जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और लेग स्पिन भी करा लेते हैं और उनके साथ जो दूसरा बदलाव वहां पर किया है पीटर हैंडस्कम की वापसी हुई है जो कि स्पिन अच्छा खेलते हैं और भारत ने दो स्पिनर्स वहां पर लिए हैं तो इसलिए शायद ऑस्ट्रेलियाई खेमे की सोच ये रही कि पीटर हैंडस्कम जो उनके स्पिन को अच्छा खेलने के लिए जाने जाते हैं और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स को वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स करंट लॉट में से पीटर हैंडस्कम है तो इसलिए उनको वहां पर मौका मिला है. टॉस भारत ने जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करेगा. यहां पर एक बार सबसे बड़ा इम्तिहान होगा वो केएल राहुल का होगा जो लगातार बल्ले के साथ फेल होते रहे हैं, उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है लेकिन सिडनी से उनकी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं. आखिरी बार सिडनी पर यहां पर उन्होंने खेला था पहला टेस्ट मैच अपना, जो उनके करियर का दूसरा टेस्ट मैच था, वहां पर एक शतक लगाया था, एक यादगार पारी उनके ले रही थी तो हैप्पी मेमोरीज जरूर है ग्राउंड को लेकर. लेकिन नया बॉल फिर से दोबारा एक बार जो है क्रूशल हो जाता है किस तरीके से भारतीय ओपनर्स वहां पर नया बॉल खेलते हैं क्योंकि पिच, अगर पिच की बात करें तो तीसरे चौथे पांचवें दिन वहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पिच वहां पर टर्न लेगा, स्पिनर्स की मदद करेगा और पहले दिन थोड़ा सा क्योंकि मॉइस्चर होगा विकेट में, ग्रीन विकेट है वहां पर, थोड़ा पैची सरफेस बताया जा रहा है तो वहां पर शुरुआती जो पहला सेशन है नया बॉल के साथ वो काफी ज्यादा क्रूशल होगा भारत के लिए. पिछले टेस्ट मैच में हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल ने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी. पहले सेशन में 18.5 ओवर्स तक कोई विकेट भारत ने नहीं खोया था जो 2011 के बाद किसी भी भारतीय जोड़ी के द्वारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था बॉल कंज्यूम करने के लिहाज से. तो उम्मीद यहां पर यही होगी कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल फिर से दोबारा एक अच्छी शुरुआत दें इस टेस्ट मैच में क्योंकि हमने देखा है कि लगातार इंडिया ने जब जब अच्छा स्टार्ट मिला है टेस्ट मैचेस में ओवरसीज तभी इंडिया ने अच्छा किया है. तो ये टेस्ट मैच काफी ज्यादा क्रूशल है, साल का पहला टेस्ट इंडिया के लिए और अगर ये टेस्ट मैच यहां पर जीत लेते हैं तो सीरीज भी जीत जाएंगे. ड्रॉ पर भी भारत सीरीज में यहां पर आगे रहेगा और टेस्ट सीरीज पहली बार जीतेगा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर. तो ये फिलहाल अपडेट है टॉस अपडेट सिडनी से. तो अभी आजकल हम लाइव नहीं आ पा रहे तो आपने सवाल हमें कॉमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं. ट्विटर हैंडल जो है स्पोर्ट्स तक का sports_तक, वहां पर #AskSportsTak आप #, यूज कीजिए और अपने सवाल वहां पर भेजिए. प्लेइंग 11 एक बार मैं फिर आपको बता दूं, कुलदीप यादव दूसरे स्पिनर के तौर पर खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा हैं और केएल राहुल की वापसी हुई है. केएल राहुल एट द टॉप मयंक अग्रवाल के साथ ओपन करेंगे विच मीन्स हनुमा विहारी नंबर 6 पर और ऋषभ पंत 7 पर. फिर आपके चार गेंदबाज में अब शायद एक थोड़ी दिक्कत की बात यह हो सकती है कि सिर्फ दो फास्ट बॉलर्स आपके पास हैं, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह. उनके अलावा दो स्पिनर्स हैं कुलदीप और रविंद्र जडेजा. तो दो फास्ट बॉलर्स अगर आपको अच्छे ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक लंबे स्पेल्स नहीं डाल पाएंगे, आपको उनको रोटेट भी करना पड़ेगा तो ये शायद दिक्कत कहीं भारत को बाद में पड़ सकती है. लेकिन एट प्रेजेंट टीम कॉम्बिनेशन यही है और उम्मीद करेंगे कि इंडियन टीम स्टार्ट वहां पर अच्छा करे, इंडियन ओपनर्स अच्छा स्टार्ट करें. मयंक अग्रवाल जिन्होंने लाजवाब टेम्परामेंट दिखाया फर्स्ट टेस्ट मैच में, अपने डेब्यू टेस्ट में अच्छी इनिंग्स खेली थी, डेब्यू इनिंग्स पहले टेस्ट में हाफ सेंचुरी बनाई थी पहली इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में भी अच्छा काम किया था. तो उम्मीद है कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जो नया बॉल है वहां पर अच्छे से काउंटर करें, लंबे समय तक बल्लेबाजी करें, फर्स्ट सेशन भारत के नाम करें और जिससे शायद ये टोन सेट हो इस टेस्ट मैच के लिए. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो चारों गेंदबाज है उन चारों का होम ग्राउंड है, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, नेथन लायन और मिचेल स्टार्क, तो कंडीशंस को अच्छी तरह से जानते होंगे और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिच पर घास भी है, सुबह मॉइस्चर का भी वहां पर प्ले में आएगा तो बॉल मूव भी करेगा सुबह. पिच कंडीशंस बॉल पहली बॉल पड़ने के बाद हम जान पाएंगे अच्छी तरीके से किस तरीके के पिच प्ले करता है. तो फिलहाल टॉस अपडेट है, भारत ने टॉस जीत लिया है जो कि अच्छी खबर है.
पहले बल्लेबाजी करेगा। अपने सवाल हमें लगातार आप यूं ही भेजते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं आप, और सोशल मीडिया पर स्पोर्ट्स तक पर इंस्टाग्राम पे स्पोर्ट्स तक ऑफिशियल नाम से हैं हम, और ट्विटर पर भी स्पोर्ट्स अंडरस्कोर तक, तो वहां अपने सवाल भेज सकते हैं। और अब इसके बाद फर्स्ट सेशन के बाद विक्रांत सर आपके साथ जुड़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट सेशन भारत के नाम। थैंक यू।